जिले के पबई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्ते के फूफा ने दो नाबालिग मासूम बच्चों को जंगल में ले जाकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मौका पाकर एक बच्चा जंगल से भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने जंगल में भ्रमण कर रही वन विभाग की टीम को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी ने पुलिस को बुलवाया और मौके पर पहुंची। पबई पुलिस ने फूफा से दूसरे बच्चे को छुड़वाया है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहाँ से एक बच्चे को जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। वहीं एक की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बता दें कि नाबालिग बच्चे पबई में अपने चाचा के साथ एक किराए के मकान में रहकर स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ाई करते हैं, लेकिन सोमवार की दोपहर रिश्ते के फूफा श्याम सुंदर सिंगरौली निवासी पड़ेरी कमरे में आए और जंगल से पेड़ पर चढ़कर दवाई तोड़ने की बात कहने लगे। दवाई के बहाने वे सिल्वर फॉल के जंगल में लेकर उनके साथ में मारपीट भी की। जो है दो बच्ची जो है घायल अवस्था में लगभग उनकी उम्र 11 वर्ष से चिकित्सालय में आए हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद जो है इनको जिला चिकित्सालय पटना के लिए रेफर किया गया है। उसमें से एक बच्ची की हालत थोड़ा गंभीर है, जिसको कान विशेषज्ञ की जांच जरूरत है, इसलिए तत्काल जो है इसको